लेवल देखिए, यूजिंग लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि बी माइनस ए इनटू से के स्क्वायर ए इज लेस देन टेन बी माइनस टेन ए इज लेस देन बी माइनस ए से के स्क्वायर बी, वेयर जीरो टू पाई बाय टू के बीच ए एंड बी भी लाइक कर रहा है, ए से ग्रेटर है, ए से जीरो से ग्रेटर है ए, बट बी जो है लेस देन है पाई बाई टू से, और ए भी लेस देन होगा पाई बाई टू से, यानी कि हमें इंटरवल लेना होगा ए टू बी के लिए, और ध्यान रखना कि ए टू बी क्या है, जीरो से पाई बाई टू के बीच है, यानी जीरो एंड पाई बाई टू को छोड़कर उसके बीच के कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग देखने से हमें पता चला कि आपका फंक्शन जो होगा टैन एक्स ही रहा होगा, और एट ए टू बी यहाँ देखना होगा, यहाँ ध्यान रखना होगा कि वेयर जीरो से ग्रेटर है ए, ए जो है लेस देन है बी से, और बी जो है लेस देन है पाई बाई टू से। तो हम लोग जानते हैं कि जो टैन एक्स है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेंजेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन जीरो टू पाई बाई टू, मतलब जीरो पे भी होता है, जीरो जीरो पे भी होता है, यानी कि यहाँ हम लोग इसको इंटरवल को ऐसे दे सकते हैं, जीरो पे डिफाइन जीरो पे होता है एंड पाई बाई टू से लेस देन है ना, पाई बाई टू पे नहीं, ये तो नॉन डिफाइन हो जाता है पाई बाई टू, एंड डिफरेंशिएबल ऑन जीरो टू पाई बाई टू के बीच। सो हमें तो ए टू बी के बीच भी देखना है, और ए जो है जीरो से ग्रेटर है, तो जाहिर सी बात है वो कंटिन्यूस भी हो जाएगा और डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि पाई बाई टू से लेस देन ही है आपका बी। सो एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी, ठीक है, ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी, समझ गए। तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। चलिए एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है टेन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी एफ डैस एक्स क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। सेक स्क्वायर एक्स यानी कि एफ डैश सी की बात करें तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर, हम लोग एफ ए के वैल्यू की बात करेंगे तो टेन ए हो जाएगा, और एफ बी के वैल्यू की बात करें तो वो टेन बी हो जाएगा। अब लेते हैं भाई मीन वैल्यू थ्योरम, क्या हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू में एफ बी माइनस का एफ ए बाई में बी माइनस का ए। अब आगे इसे देखते हैं, यह है सेक स्क्वायर सी इक्वल टू में टेन बी माइनस टेन ए है ना जी, एफ ए का वैल्यू टेन ए है और बाई में बी माइनस ए। अच्छा यहां से जो अगर मीन वैल्यू थ्योरम के देखेंगे तो सी जो होता है सी बिलोंग करता है ए टू बी के बीच, और ऐसे भी लिख सकते हैं सी जो होगा ए टू बी के बीच, इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप क्या करते हैं टेकिंग सेक स्क्वायर बोथ साइड, यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज लेस देन सेक स्क्वायर सी इज लेस देन सेक स्क्वायर बी। अच्छा हम लोग सेक स्क्वायर सी का यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज लेस देन टेन बी माइनस का टेन ए बाई में बी माइनस ए इज लेस देन सेक स्क्वायर बी। ये जो हम लोग क्या करते हैं बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिवाइड में इसलिए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस ए, तो यहाँ आ जाएगा बी माइनस ए सेक स्क्वायर ए इज लेस देन टेन बी माइनस टेन ए हो जाएगा इज लेस देन, यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस ए सेक स्क्वायर बी। यही ना हमें प्रूव करना था, हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया। एक काम करते हैं आज की क्लास में इतना ही, एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है
पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन। रवि कांत सर, रवि कांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in। और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।